नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका वन इंडिया हिंदी में स्वागत करता हूं। विश्व कप 2019 के एक अहम मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया और विंडीज की टीम आमने सामने थी। वेस्ट इंडीज की टीम ने इस मैच में टॉस जीता और ऑस्ट्रेलिया की टीम को बल्लेबाजी के लिए पहले आमंत्रित किया था। वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के शुरुआती 5 विकेट 89 रनों पर निकालकर ऑस्ट्रेलिया को बड़ी मुश्किलों में डाल दिया था, लेकिन यहां से स्टीव स्मिथ ने टीम को संभाला और न सिर्फ टीम को संकट से उबारा बल्कि एक बड़े लक्ष्य की ओर भी ले गए। आपको बता दें, स्टीव स्मिथ ने पहले एलेक्स केरी के साथ मिलकर 50 रनों से ज्यादा की साझेदारी की और फिर 7वें विकेट के लिए नैथन कूल्टन-आइल के साथ मिलकर 100 रनों से ज्यादा की साझेदारी कर टीम को एक बड़े लक्ष्य तक ले गए। स्टीव स्मिथ के आउट होने के बाद कूल्टन-आइल ने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों पर हमला जारी रखा। पारी के 49वें ओवर में कूल्टन-आइल का विकेट गिरा। कूल्टन-आइल अपने शतक से चूक गए। जी हां, कूल्टन-आइल 60 गेंदों पर 92 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गए। इस दौरान नैथन कूल्टन-आइल ने 8 चौके और 4 छक्के लगाए। ये ओडीआई के इतिहास में तीसरा सबसे बड़ा स्कोर था जो 8वें नंबर के बल्लेबाज ने बनाया। नैथन कूल्टन-आइल 92 रन बनाकर आउट हुए। अगर वो शतक पूरा कर देते तो ये वनडे करियर का उनका पहला शतक भी होता। आपको बता दें, नैथन कूल्टन-आइल और स्टीव स्मिथ के बीच 102 रनों की साझेदारी हुई, ये भी एक रिकॉर्ड है। 7वें विकेट के लिए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे बड़ा रिकॉर्ड अब नैथन कूल्टन-आइल और स्टीव स्मिथ की जोड़ी के नाम हो गया है। स्टीव स्मिथ और नैथन कूल्टन-आइल की पारी का ही असर था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम 280 के पार पहुंच गई, वरना जो टीम एक समय 5 विकेट 89 के स्कोर पर गंवा चुकी थी उसके लिए 280 तक पहुंचना किसी असंभव बात से कम नहीं था। नैथन कूल्टन-आइल ने वर्ल्ड कप में एक ऐसी पारी खेली जो लंबे समय तक याद रखी जाएगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।